अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू जंजानी टीवी मैं हूं सैयद मुसवर अली जंजानी हमारा ये जो वीकली वीडियो है ये 30 से लेकर 6 जून तक है तीस मई से लेकर छः जून तक जैसे कि एक महीना ख़त्म होगा और अगला महीना इब्तदा की तरफ आ रहा है गो के पूरे ही हफ्ते में इस्लामी वाक्यात को देखा जाए तो सिर्फ एक बहुत अहम इस्लामी वाक़ है और वो है फ़तेह अहद का वाक़ तो इस लिहाज से ये पूरे हफ्ते की जो बरकतें हैं वो इब्तदा से ही हमें मिलना शुरू हो जाएंगी रूहानी तौर के ऊपर क्योंकि फ़तह मुबारक की इब्तदा शुरू में ही है माहिर मई के ख़त्म में ही और आगे फिर जून का जो महीना है उसमें कुछ खास कोई इतनी इस्लामी इवेंट्स नहीं है लेकिन जैसे जैसे पूरा महीना आगे चलता रहेगा तो इस्लामी इवेंट्स तो डेफिनेटली आएंगे लेकिन इस पूरे हफ्ते की सबसे स्पेशल बात यह है कि मैं मौजूद हूँ कराची में ऐसे लोग जो कि मुझे बिलमुशाफ़ा मिलने चाहते हैं कराची में पर्सनली तौर के ऊपर आप अपनी किसी भी मसले के इलिमी तौर के ऊपर रहनुमाई के लिए मुझे मेरा मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके ऊपर पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकेंगे पहली से लेकर सात जून तक हमारे कराची ऑफिस में इन शहु जल्द रावलपिंडी का मेरा जो टूअर्स है वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं जो कि जैसे कराची के अल्टरनेटिव मंथ्स हैं उसी तरह रावल पिंडी के भी इंशाल्लाह शाला ऑल्टरनेटिव होंगे क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस्लामाबाद पिंडी वा और इसके साथ साथ बहुत इर्द गिर्द के इलाके हैं जो लोग ये डिमांड करते हैं कि रावल पिंडी का जो हमारा ऑफिस है जैसे कि वहाँ मेरे भाई होते हैं वाल साहब का ट्रूवर होता है एवरी मंथ तो मेरी क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी शमूलियत इतनी नहीं है तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर रावल पिंडी का भी बहुत जल्द जो है आप लोगों को न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि मेरे कौन सी डेट्स जो हैं वो रावल पिंडी की होंगी और इन शंजानी टी वी के ऊपर ही आप लोग उसको देख सकेंगे इसके साथ साथ अगर हम लोग इस पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते की स्पेशलिटीज़ के हवाले से प्लानटरी पोजिशन तो बहुत तेज़ी से पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होने जा रही हैं क्योंकि इस हफ्ते में तो हमें कुछ इतना ज़्यादा मनफी रुझान ग्रहण के और ना ही बाकी चीजों के कमर दर के देखने को मिलेंगे तो ये एक अच्छी चीज है लेकिन एक चीज कि एहतियात वाली इस पूरे हफ्ते में नजर आती है कि ग्रहण चूंकि लग रहा है 10 जून को 10 जून को ग्रहण लगना है और ये क्योंकि जुजवी ग्रहण है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो ये ग्रहण लगेगा कोई दोपहर का टाइम ही होगा सवा एक बजे के करीब ये दोपहर में स्टार्ट होगा तो हमें जुजवी तौर के ऊपर कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है क्योंकि मुकम्मल ग्रहण नहीं है तो इसलिए अंधेरा तो बिल्कुल नहीं होगा पार्शल ग्रहण है जुजवी ग्रहण है तो इस लिहाज से कुछ एरियाज में ये देखा जा सकेगा लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ग्रहण है तो उसके असरा तो पूरी दुनिया पर एक से होते हैं तो इस लिहाज से नमाज आयात और इसके अलावा क्योंकि ये सूरज ग्रहण है तो नमाज कसूफ दो जरूर अदा की जाएगी दौरान ग्रहण या उससे पहले या जो भी नमाज का वक्त होगा जिसमें नबाफिल अदा किए जाते हैं और का भी डेफिनेटली दिया जाएगा लेकिन चूंकि ये गुफगु है अगले हफ्ते के ग्रहण के हवाले से इस हफ्ते के ऊपर असरात इसके इस तरह मुरतब होंगे कि हर साइन के लिहाज से क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है जायचे के तीसरे घर में यानी कि जमुनाए में तो इसके अकॉर्डिंगली हर जॉडिक साइन के अकॉर्डिंगली जो प्लानी पोजिशन बनेंगी उसमें किसी हद तक एहतियात इस हफ्ते में आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी तो एहतियात क्या होंगी उसमें हम लोग किस तरह महफूज़ रह सकते हैं आप लोगों को कौन सा सदका देना होगा कौन सी एहतियाती तदबीर करनी होगी ये विश्व आप लोगों के जॉडिक साइंस में हम लोग डिस्कस करते हैं और सदक़ा का सिलसिला भी वहीं पर आप लोग देख सकते हैं तो आइए बढ़ते हैं पहला जॉडिक बुरज हमल के चार बुर्जी मल बुरजमल वालों का ये पूरा हफ़्ता अगर हम लोग देखें तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की खुद तमादी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है डिसीजन मेकिंग आप लोगों की बहुत इम्प्रूव रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंटली आमदनी के जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो कदरे सुलझ जाएंगे आमदन बढ़ाने के भी वसाइल मुहैया होते हुए नजर आते हैं और ऐसी रेमेडीज़ जो कि मैं आपको काफ़ी अर्सों अच्छा से कहता चला आ रहा था कि आप लोग बेसिकली अपने नए काम के नए तजुर्बा से रुक जाएँ थोड़ा सा तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि आप लोग कुछ नए तजर्बात करना चाहते हैं या कोई नई प्लानिंग्स का इरादा है तो ये पूरे हफ्ते में आप लोग कर सकते हैं काफ़ी हद तक चीज़ें इन लोगों के लिए मौबत रहेंगी क्योंकि काम बढ़ाने के मौके मिलते हुए नजर आते हैं करियर को ग्रो करने के मौके मिल सकते हैं इवन ऐसे लोग जो कि अपनी मुलाजमत से परेशान हैं और आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तब्दील करना चाह रहे हैं यहाँ पर किसी मज़ीद अच्छी जगह के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इवन अपना डिपार्टमेंट एक इदारे से दूसरे इदारे में चेंज करवाना चाहते हैं तो तभी चीज़ें आपके लिए इस हफ़्ते में काफ़ी पॉजिटिव हैं इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए एहतियात की तालब है सेहत के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ज़रा से भी फेस होती है आपने उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी फौरी तौर के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोगों स्टार्ट कर देना है आमदनी के लिहाज से क्योंकि ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन इसके साथ साथ अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें क्योंकि सफ़र से आपके जितने भी अगराज व मकासद हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो जाएंगे लेकिन दौरान सफ़र कुछ अजनबी लोगों से प्रॉब्लम्स रह सकती हैं या फिर दौरान सफ़र कुछ ऐसी हर्डल्स नज़र आती हैं जो कि आप सदक की रेमेडी से दूर कर सकते हैं अजीज कार्य रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुक काफ़ी हद तक तो खुशगवार रहेंगे कंप्रोमाइजेस जो चल रहे थे वो काफ़ी हद तक तो इन शाला प्यार मोहब्बत के साथ से मट जाएंगे और जितनी गलत फहमियाँ था उनका इज़ाला भी मुमकिन में से रहेगा खानगी मामला का रुझान देखा जाए तो काफ़ी हद हाँ तक खुशगवार है सिर्फ आप लोगों का जो बुध वाला दिन होगा वो एक ऐसा दिन है जिसमें आप लोगों ने वालदा की सेहत के बारे में थोड़ा सा एहतियात करनी है और आप लोगों ने फैमिली मेम्बर्स की कोई भी नाराज़गी वेनजे वाले दिन अपने सर मोल नहीं लेनी अदरवाइज़ बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप लोग बुध वाले दिन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी फरमाइशी आती हैं जो कि आपके खानगी अफराद की हैं तो उस फरवाइश को रद्द बिल्कुल ना करें और वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखें अदरवाइज़ बाकी पूरा महीना आपके लिए काफ़ी हद हाँ तक खुशगवार है और वेनसडे का ही दिन ऐसा है कि जिस दिन आप लोग कोई ऐसी नई इन्वेस्टमेंट या नई डीलिंग या नया मुहिदा अपनी सवारी का या प्रॉपर्टी का या फिर घर की शिफ्टिंग का मत करें क्योंकि जो वेनसडे का दिन है वो किसी भी ऐसा काम जो कि खानगी मामला से रिलेट करता है प्रॉपर्टी से रिलेट करता है व्हीकल से रिलेट करता है आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है अदरवाइज़ बाकी पूरा हफ्ता आपके लिए खुशगवार है पूरे हफ्ते में चीज़ों को मैनेज कर सकता है इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो मामला मोहब्बत काफ़ी हद तक खुशगवार है अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा लो रहेगा उसको बिल्डअप करने की और बेहतर करने की अशद ज़रूरत है अजदवाजी तौर के अब रवाबत को देखा जाए तो काफ़ी खुशगवार है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है आपका शरीर के हयात आपका शर्क हयात आपको कन्विंस कर सकता है किसी अच्छे काम के लिए आपकी कुछ ऐसी आदत जो कि उसके लिए बिला वजह मैंटली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंस का शिकार है वो आप लोगों को काफ़ी हद हाँ तक चेंज करनी पड़ सकती हैं तो मुतवका तौर के ऊपर आपका पूरा ही हफ़्ता बेसिकली ज़िंदगी के लिहाज से काफ़ी खुशगवार है पार्टनरशिप के कामों के लिए देखा जाए तो पार्टनरशिप के काम में भी चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आती हैं गो के काम की तब्दीली इतना बेहतर नहीं है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसको तब्दील करके किसी और सूरत में दोबारा से पार्टनरशिप कर ली जाए तब सुधा इतनी बेहतर नहीं है लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला पॉजिटिव रहेंगी विरासती तौर के अगर मामला को देखा जाए तो कोशिश करने से मामला बड़ी खुशबी के साथ सुलझ सकते हैं रूहानियत फ़लाही काम तलीम के हवाले से मामला बैरूनी मुल्क सफ़र के लिहाज से जो रुकावटें थी उनमें काफ़ी हद तक आपको आसानियाँ मिल सकती हैं और लेडिकेशन के जितने काम हैं कोर्ट कचहरी के, के जितने काम हैं उनमें भी कोशिश करने से कोई आप लोगों को अच्छा इन शाला रिस्पांस देखना नसीब होगा क्योंकि बुजुर्ग वालदेन कर लोग भरपूर तावन करते हुए नज़र आते हैं और उनके ही तावन से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को इनशाला समेट लेंगे इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा हफ़्ता देखा जाए तो सोशल लिंक के साथ अपनी तो थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखें बहुत ज़्यादा खाम ख्याली या बहुत हाई एक्सपेक्टेशन कर लेना बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हर हो सकती हैं इस पूरे हफ्ते में जो आप लोग अपना बेसिकली सदका देंगे वो सदक आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हसब तफ़ी गंदम या बहरा टॉरस बुरजौर बुरज शौर के हामे लोग हैं बेसिकली आप लोग थोड़ा सा सेंसटिव रहते हुए नज़र आते हैं पहले हफ़्ते में इस Uh, महीने के बेसिकली जो नया शेडो हुआ है माह जून तो इसलिए आज से पहला हफ़्ता जो है थोड़ा सा अपने आप को डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉग करें जो थोड़ा सा आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ करते हुए नज़र आते हैं उसको बेहतर करने के लिए अच्छे और मुखलिस लोगों के साथ मशावरत लाजमी करते रहें और वक्फा वक्फा से आप लोग अपनी फीलिंग्स का शेयर करें इजहार करें क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग्स शेयर नहीं होंगी जब तक दूसरों तक आपके ख्याल नहीं पहुंचेंगे तब तक चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी पॉजिटिव नहीं होंगी आमदनी के लिहाज से चीज़ें देखें तो थोड़ी सी प्लानिंग्स यहाँ पर भी नज़र आती हैं कि आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आमदनी के वसायल कोशिश करने के बावजूद भी उतने नहीं बढ़ेंगे जितने शायद आप लोग सोच रहे हैं तो इस लिहाज से प्लानिंग्स रखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस होंगी अदरवाइज़ सफ़र के लिहाज से चीज़ें देखी जाएँ तो काफ़ी खुशगवार हैं पूरा हफ्ता हाँ सफ़र के अराज व मकासद के अतबार से और सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र वसीलाफ़र साबित होगा इसके साथ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के आजीज़ो वकार जितने भी हैं आप लोगों के नेबर्स आप लोगों के बहन भाई तान आपके साथ बहाल रखे हुए नजरातें हैं लेकिन अगर आपका कोई वरासती मसला चल रहा है तो उसमें कोशिश करें कि दूसरों की रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वरासती बहस के दौरान भी वरासती मसले को अगर पंचायती सूरत में हल कर रहे हैं तो भी दूसरों की रिस्पेक्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रिवॉर्ड मिलेगा और आपका यह मसला बड़ी के साथ हाल हो जाएगा। इसके साथ आप पूरा ही हफ्ता देखा जाए तो माहौल के, के लोग खानगी माहौल में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर, कर रहे थे आप लोग उनका बड़ी खूबसूरती के साथ रोकथाम करते हुए नजर आते हैं और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समेटने के लिए किसी अच्छे तजर्बाकार फर्द के साथ आपकी जो डीलिंग है या शावर है आपके लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा इंशाला खुशगवार इस हफ्ते में देखा जाए तो मामलाते मोहब्बत थोड़े से सेंसिटिव हैं सेंसिटिविटी नजर आती है जिस से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके मिजाज में कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा कम है और अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी थोड़ा सा कम है तो कोशिश करें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको आप लोग दरगुजर कर दें ताकि रोमानवी जिंदगी किसी मसले का शिकार ना हो अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के नफसियाती मामला या फिर औलाद के रोज़ शब के ऊपर खास निगाह रखने की जरूरत है क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम बला वजह आप लोगों को औलाद की तरफ से मतवू हैं अगर आप लोग चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ आप लोगों की इस पूरे ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल लेकिन आपके जो मुलाजमती मामला है उसमें आपके कोलीग्स आपके कोवर्कर्स बड़ा सपोर्टिव रवैया रखे हुए नजर आते हैं और आपकी जिम्मेदारियां बड़ी अच्छे तरीके से इनशाला निभ जाएंगी मुश्तर मुफादत के कामों को देखा जाए तो कोशिश करने से माली मुफादत का हासूल हो सकता है माली प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो आटोमेटिकली तौर तो के पर ज़रा सी कोशिश से इन शाला वह सुलझ जाएगी तो माली तंगी तो इतनी नहीं होगी लेकिन क्योंकि आपका खाने माल का प्लानट वीक है तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग्स जैसे कि मैंने इब्तः में कहा था उसकी आपको फिर भी जरूरत रहेगी विरासती प्रॉब्लम्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है खूबसूरत है लेकिन लिटिशन के लिहाज से थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रहे क्योंकि दूसरी पार्टी और दूसरा जो फरीक है वो आपके लिटिगेन के हवाले से मामला में इतना ज़्यादा सपोर्टिव रवैया नहीं रखेंगे और चीज़ें से लबी तखीर का कार ही नजर आती हैं तलीला में भी इजाफ़ी तवज्जो की जरूरत है और बैरून मुल्क से जुड़ी हुई जितनी भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपके कोई मेल मुलाक़त या फ़ोन कॉल्स टेलीफोन ई मेल्स का सिलसिला है या इवन वीज़े का भी हसूल है उसमें भी चीज़ें थोड़ा सा रुकावट के साथ होंगी लेकिन इस वीक के बिल्कुल अख्तितम पे जाके तो थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल को अपनी प्रोलॉन्ग करना चाहिए इसके साथ साथ करियर कारोबार इज़्ज़त वकार रतबे की बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक खुशगवार इन श्रा लेकिन आपका जो हल्का हबाब है उसमें कुछ ऐसे लोग जो कि आपके लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं उनका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन लाजमी तौर तो के पर रखें ताकि आप लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा तोकुआत वबस्ता ना करें इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोग सदका देंगे वो सदक आप लोगों का रहेगा हजब तोफ़ीक, मंगल वाले दिन किसी भी लाल रंग की चीज़ का जय बनाए बुर्ज जोजा बुर्ज ज़ा कि हमें जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखने की अशद ज़रूरत है क्योंकि आप लोग वक्ता फवक्ता अगर दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे अगर आप अपनी इजहार ख्याल नहीं करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं कोशिश करें कि आप कॉन्फिडेंट रहें ओवर कॉन्फिडेंस से भी अवॉइड करने की जरूरत है क्योंकि कॉन्फिडेंस में ज्यादी भी आपके लिए प्रॉब्लमारिक है और कॉन्फिडेंस का कम होना भी आप लोगों के कामों में खराबी लेके आ सकता है तो मेंटली थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें ना सिर्फ मेंटली तौर के पर बल्कि हर मामले में आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा बैलेंस अख्तियार करना है चाहे वो आपके रिलेशन हो चाहे वो आपके करियर कारोबार रोज़गार के मामला हों या फिर आपके खानगी मामला हों हर चीज़ में बैलेंस बरकरार रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला पॉजिटिव रहेंगी आमदनी के हवाले से देखा जाए तो खास इतना ज़्यादा प्रॉब्लमारिक वीक नहीं है लेकिन बद से जुड़े हुए जो अफराद हैं कि नज़रेंबंद ऑन एंड ऑफ़ आपके कामों में रुकावट ज़रूर लेके आएगी थोड़ा सा पेमेंट्स का मिलना थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन मिल जाएंगी तो इस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोगों की इतनी ज़्यादा फेस नहीं होंगी इन इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के रिलेशनशिप जितनी भी हैं स्पेशली अजीज़ वारिब के साथ बहुत ज़्यादा तबक्वाद का व्यवस्था कर लेना या नेबर्स के साथ मिल अगर काम कर रहे हैं तो तभी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखना आपके लिए इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन जो बहन भाई हैं स्पेशली बड़े वो आपके साथ बहुत अच्छा राबा रखे हुए नजर आते हैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हुए नजर आते हैं इखलाकी तौर के ऊपर भी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माली तौर के ऊपर भी आपको फेवर्स इनशाला मिल जाएंगे खानगी अफराद के हवाले से आपके काफ़ी हद तक रिलेशन इन शाला पॉजिटिव रहेंगे ज़मीन ज्यादा प्रॉपर्टी सवारी के लिहाज से जितनी भी डीलिंग्स हैं उनमें आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को एक दफ़ा लाजमी दोबारा से चेक करना है और कोशिश करें कि आप लोग सवारी की सेल परचेज़ या घर की सेल परचेज़ जो है अगर मतवक़़ो हो सकती है तो उसको ग्रहण के बाद ले जाएँ आपके लिए ज्यादा पॉज़िटिव पॉजिटिव इन शाम रहेंगे अगर आप लोग किसी भी अशद जरूरत के तहत कर रहे हैं तो फिर भी चीज़ों को एक दफ़ा डबल चेक लाजमी तौर के ऊपर करें इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो मामला मोहब्बत के हवाले से काफ़ी हद तक होश आंद है कि जो हसासियत आपके मामला मोहब्बत में शामिल थी वो इन शतम हो जाएगी और औलाद के लिहाज से भी जो फिक्रमंदी आपको लाक थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है आप लोगों के काफ़ी हद तक ऐसी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ जो कि आप लोग दूसरों के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरों के सपुर्द आपने कर रखी थी इस हफ़्ते में आपको ख़ुद से उनको निभाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस हफ्ते में आप दूसरों को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते अपनी लाइबिलटीज़ के हवाले से स्पेशली जो कि मुलाजमत के लिहाज से आपको बुराती हैं। फिजिकल हाल आप लोगों की काफ़ी हद तक है इनशाला पॉजिटिव रहेगी कुछ खास इतनी प्रॉब्लम्स आपकी सेहत के लिहाज से तो नजर नहीं आती बल्कि सबसे खूबसूरत चीज़ इस पूरे हफ्ते आप की आप लोगों की अजदवाजी ज़िंदगी है शर्क हयात आपको काफ़ी हद हाँ तक मॉरली तौर के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा शरीक हयात आपको काफ़ी हद हाँ तक जो है मजबत इकदमा दिलाता हुआ नजर आता है और मतवक़ा तौर के ऊपर अगर आप लोगों ने किसी के ऊपर शादी का पैगाम भिजवाया है या कहीं कोशिश कर रहे हैं तो तभी अच्छा रिस्पांस इनशाला आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकेगा मुश्तरक मफादत का के कामों को देखा जाए तो चीज़ें सुलझती हुई नजर आती हैं फाइनेंशली फवाद तो तो नहीं होंगे लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही थी आपके पार्टनरशिप के काम्स में वो काफ़ी हद हथे गिन खात्मे की तरफ बढ़ जाएंगी विरासती प्रॉब्लम में थोड़ा सा सुस्त रवि रहती हुई नजर आती है लेकिन जो लिटिगेशन के मामला हैं लिटिगेशनस के मामला में हासिदीन की हदबंदी अशद ज़रूरी होगी क्योंकि हासिदीन की हदबंदी अगर आप लोग नहीं कर रहे तो कोर्ट कचहरी के, के जितने भी मामला हैं उसमें जो फ़ैसले आने हैं वो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं तो हास्त किस्म के जितने लोग हैं उनसे हद दर्जे गुरेज़ करें और कोशिश करें कि अपने साथ उनको कोर्ट कचहरी वगैरह बिल्कुल मत लेके जाएं ताकि आपके लिटिगेशन के जितने भी मैरिड्स हैं उनमें कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े तलीम के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात की हामल है इवन बैरून मुल्क सफ़र या बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स वाला जो आप लोगों का पूरा एक पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है कि चीज़ों को दोबारा से चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें और हो सके तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग नए सिरे से, दे से तरतीब देना तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा करियर कारोबार रोज़गार के लिहाज से जल्दबाजी से हद दर्जे को रेस करें अदरवाइज़ करियर कारोबार रोज़गार में कुछ ख़ास इतनी प्रॉब्लम्स आपकी रहती हुई नज़र नहीं आती इवन आप लोगों के बड़े बहन भाई काफ़ी सपोर्टिव हैं और यही चीज़ आपके दोस्तों के साथ भी है कि आपकी जिंदगी में जो मुखल लोग हैं वो आपके इज्जत वकार और रुतबे के बढ़ावे का सबब बनते हुए नजर आएंगे इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे प्रॉब्लम से महफूज रहने के लिए वो सदका आप लोगों रहे का रहेगा मंगल वाले दिन हंसब तुफी किसी भी लाल रंग की चीज़ का बुरज सरतान बुरजो सरतान के हामे लोग हैं बेसिकली इस पूरे हफ्ते की जो इब्तदा होने जा रही है पहला जो एक दिन है सोमवार का वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात कन है कि जो भी फैसला कर रहे हैं पहले दिन उसको थोड़ा सा आप लोग दोबारा से ओवरव्यू ज़रूर करें अदरवाइज बाकी पूरा जो हफ्ता है वो डिसीजन मेकिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा खुशबक है आप लोगों की डिसीजन मेकिंग भी बड़ी पॉजिटिव रहेगी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा मजहब रूहानियत फलाही काम अपना करियर कारोबार रोजगार और हल्का बाप जो कि वीकेंड के ऊपर आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों का अहाता किए हुए नजर आता है अपने करियर को रेस्पेक्ट को इज्जत को और अपने सोशल लिंक्स को डेवलप किस तरह करना है आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है बल्कि आप लोगों को आमदनी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जो इकदाम मिल रहे हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक इन जो है अच्छे मुफीद तजर्बात होते हुए नज़र आएंगे कि फाइनेशियली ग्रोथ आपकी डेफिनेटली तौर के ऊपर हो सकेगी लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपने अखराजा को रोकने की अशद ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा शहाना मिजाजी नज़र आती है और अराजा आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा रोके चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त स्पेंड करें जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल रख सकें आपके साथ काफी हद तक चीजें खुशगवार रखते हुए नजर आएँ और कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली जो है ये मेन चीज़ है आपकी ताकि बाकी चीज़ें आप लोगों की काफ़ी हद तक खुश रह सकें इसके अलावा आप लोगों के स्पेशली छोटे बहन भाई हैं उनके साथ गलत फहमियों का ख़त्म करना इस हफ्ते के लिए अशद ज़रूरी होगा इवन आपके जो अजीज़ कारे व रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अख्ताफात को ख़त्म करना इस हफ़्ते की काफ़ी हद तक अशद जरूरत होगी ताकि उनके साथ मिल के आप लोग जो काम करने के बारे में प्लान आउट कर रहे हैं या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि जहनी तौर के ऊपर डिप्रेशन और तफ़करात जितने भी हैं उससे आप लोग महफूज़ रह सकें सफ़र जो है बग़ैर ज़रूरत के मत करें और अगर ज़रूरत है तो उससे पहले सबका जरूर दें खानी के लिहाज से ये काफी खुशगवार है वालदा की सेहत लोगों के लिए खुशहाली का सबब बनेगी और इसके साथ साथ घरेलू तजी और आइफ में आप लोग काफी हद तक एक्टिव मतहरिक नजर आते हैं ज़मीन ज्यादा प्रॉपर्टी सवारी के हवाले से जितने भी आपके मामला हैं काफी खुशगवार रहते हुए नजर आते हैं जो के से आपके मामला पिछले हफ़्ते में या उससे पिछले हफ़्ते में रुकावट का शिकार चले आ रहे थे इस हफ़्ते में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगी रोमानवी मामला खुशबियाँ नजर आती हैं और मामला मोहब्बत जितने भी हैं उनसे इनशाला आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को भी मिल रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो रहा है क्योंकि जिस फर्ट से आप मुहबत कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग की तरफ बहुत तवज्जो देता हुआ नजर आता है अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए माली खुशबकती का सबब बनती हुई नजर आती है ऐसे लोग जो कि मुलाजमत के, के लिहाज से परेशान हैं या हसब मंशा मुलाजमत का हसूल चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं इवन जॉब कर रहे हैं और उसको तब्दील करना चाहते हैं तो कोशिश करने से यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद हाँ तक इन शाला पॉजिटिव साबित होगा सेहत या भी मिलती हुई नजर आती है फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव है मुश्तर मफात के कामों को देखा जाए तो काफ़ी हद हाँ तक इन श्ला चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आती हुई नज़र आती हैं जो छोटे छोटे खदशात या छोटी छोटी रुकावटें आपकी चल रही थी मुश्तरक मुफात के कामों में वो काफ़ी हद तक इनशाला सिमट जाएँगी सुलझ जाएँगी लेकिन अज़दवाज़ी मामलात में आपका जो शर्क हयात है उसकी सोच को थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर रखने की कोशिश करनी है क्योंकि अजदवाजी जिंदगी में अगर खुशहाली रखना चाहते हैं तो आपका जो शर्क हयात है उसकी सोच में मुस्बत पहलुओं का उजागर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज अजदवाजी तौर के पर चीजें आपकी अप्स एंड डाउंस का शिकार भी हो सकती हैं विरासती तौर के पर जितने मामला हैं कोशिश करें अगर डिले हो रहे हैं तो होने दें क्योंकि हास्दीन की नज़र हो सकते हैं अगर आप लोग बहुत तवज्जो देंगे या बहुत इसके ऊपर जल्दबाजी करेंगे कि इसी हफ्ते में चीज़ों को समेट लें तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम आरिक हो सकती हैं इस हफ़्ते भी और अगले हफ़्ते भी लिटिगेशन के मामला में कोशिश करने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि तजर्बा कर लोग आपके साथ अपनी काफ़ी हद हाँ तक चीज़ों को बेहतर बनाते हुए नज़र आते हैं तो उनके तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग अपने कोर्ट कचहरी को, के लिडिगेशन के मामला को बेहतर बना सकते हैं लेकिन तलीमी जितने भी मामला हैं उनमें इजाफी तोज्जो की भी ज़रूरत रहेगी और आपके जितने भी बिरून मुल्क से जुड़े हुए मामलात हैं उनमें जल्दबाजी से हद दर्जे को रेस करें अदरवाइज़ जल्दबाज़ी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ हो सकती है करियर कारोबार रोज़गार इज़्ज़त में बढ़ावा नज़र आता है सोशल लिंक्स आपके काफ़ी हद तक डेवलप होते हुए नज़र आते हैं लेकिन जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कम्युनिकेशन या तो गैप आ सकता है या थोड़ा सा मस्तस्टैंडिंग्स होने के इंडिकेशन हैं जिसको आप लोगों को चाहिए कि बर वक्त सॉर्ट आउट कर लें ताकि ये आगे ग्रहण में जाके कर मजीद ख़राब नहीं हो अदरवाइज ये पूरा हफ़्ता अगर हम लोग देखें तो इस पूरे हफ्ते की जो खुशब्तियाँ ज्यादा हैं और एहतियाती तदाबीर कम है लेकिन जो एहतियाती तदाबीर में आप लोग बेसिकली अपना सदका देंगे वो सदका बेसिकली आप लोग का रहेगा हफ्ते वाले दिन हंसब तुफी किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का लियो बुरजोसत बुरजोस्त के हमें जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनाल

पार्टनरशिप के लिए हाँ से चीज़ें आपकी देखी जाए तो कदरे थोड़ी सी एहतियात कुन है लेकिन आपको जो ज़ाती बिजनेस है वो काफ़ी हद तक इनशाला ग्रो करता हुआ नजर आता है तो मुश्तरक मुफादत के कामों में थोड़ी सी एहतियात लाजम है कि आपका जो शरीक कार है उसके मिजाज और सोच में थोड़े से ऐसे तफ़रत या ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जिनको आप लोगों को बर वक्त सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए अदरवाइज़ अगले हफ्ते में जो ग्रहण आ रहा है उसके असरा मजीद बढ़ने की वजह से मुश्तर मुफादत का के कामों में मज़ीद प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि कम्युनिकेशन आप लोगों का कम से कम हो सके आमदनी के लिहाज से चीज़ें देखी जाए तो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की अशद ज़रूरत है क्योंकि बिला वजह के ना कहानी अखराज आमदन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ले आ सकते हैं लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग जो आप पहले से करके रखेंगे तो खास इतनी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होंगी कॉन्फिडेंस नजर आते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप भी हो सकता है और मतवा तौर के ऊपर सफ़र का इरादा है तो सफ़र आप लोगों के लिए इनशाला वसीला जफ़र भी होगा अजीजों कार्य रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ आपके जो या प्रॉब्लम चल रहे थे कोशिश करने से सॉर्ट नजर आएंगे क्योंकि बेसिकली आप लोगों का किरदार एक तरह का एक लीडरशिप रोल प्ले करता हुआ नजर आता है ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर बनाने के लिए इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की खूबसूरतियाँ देखें तो रोमानवी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार नज़र आती है कि जिस फट से हम मोहब्बत कर रहे हैं वो आपको किसी न किसी तौर के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा अपने मिजाज से अपनी सोच से अपनी खिलाकियात से और आपकी पर्सनलिटी में काफ़ी हद तक मिसबत पहलू उजागर हो पाएंगे सिर्फ उसी शख्स की वजह से यहाँ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद भी आपकी पर्सनलिटी में बहुत ज़्यादा मौबत तब्दीलियों का सबब बनती हुई नज़र आती है फिजिकल हेल्थ आप लोगों की कुछ खास इतनी प्रॉब्लमारिक नहीं है लेकिन मुलाजमती जिम्मेदारियाँ आप लोगों के लिए हद दर्जे सेंसिटिव नजर आती हैं किसी किस्म की कुताही गफलत सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना ही आपके कोवर्कर्स की जानब से और ना ही हुकाम की जानब से तो इसलिए कोशिश करें कि मुलाजमती तौर के ऊपर जितनी ज़िम्मेदारियाँ आपके सिपुर्दाती हैं उसको आप लोग बर वक्त अंजाम दें ज़्यादा मुनासब है इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता अगर देखा जाए वरासती तौर के ऊपर चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करने से कोई अच्छे असरा आप लोगों को डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगे लेकिन एक चीज़ आप लोग जहन नशी रखें कि जब भी कोई पंचायती तौर के ऊपर बैठक लगेगी उसमें आप लोग थोड़ा सा अग्रेसिव मत हों आप लोग कूल माइंड रह के सुने दूसरे लोग क्या कह रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए भी आपका लहजे में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होनी चाहिए अग्रेशन आप लोगों के विरासती मामला में मज़दीद खराबियाँ ले आ सकता है वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को मस्बत रखने की ज़रूरत है इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तलीमी मामलों के लिहाज से थोड़ी इजाफ़ी तोज्जों की जरूरत है बिरूने मुल्क सफ़र या बिरने मुल्क इन्वेस्टमेंट जो हैं उनमें भी थोड़ी सी रुकावटें नज़र आती हैं लेकिन मजहब रूहानियत फ़लाही काम इस तरफ आप लोगों की तवज्जो बड़ी डेवलप रहेगी और मुतवक्कत तौर के ऊपर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों का इनका कर सकते हैं या फिर मिल के कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसे ना सिर्फ आपके अपनी ज़ात बल्कि आपके इर्द गिर्द के जितना भी माहौल है या जिस माशरे में आप रहने हैं उसकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आप लोग सोचते हुए और प्रैक्टिकली तौर के ऊपर करते हुए नज़र आते हैं इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों की जितनी भी तो आपके दोस्तों की तरफ आपके सोशल लिंक्स की तरफ उसको थोड़ा सा आप लोगों के रलस्टिक अप्रोच में रखना है क्योंकि थोड़ा सा हकीकत से बढ़ा चढ़ा के आप लोग अपनी सोच को रखेंगे तो फिर आप लोगों की तो जो है थोड़ी सी मायूसी भी हो सकती है वक्ती तौर के ऊपर तो थोड़ा सा हकीकत पसंदी की तरफ रखें अपने सोशल लिंक्स को तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाला पॉजिटिव रहेंगी इस पूरे हफ्ते में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हसबे तफ़ी गंदम या बाजवा वेगो बुरला बुरजुमला के हमें जो हैं बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है कोई भी फ़ैसला फ़ौरी तौर के ऊपर मत लें जल्दबाजी से हद दर्जे गुरेज करें जल्दबाजी के इकदाम जल्दबाजी के फैसले दूसरों के बारे में राय कायम कर लेना फौरी तौर के ऊपर अपना माइंड मेकअप बिल्कुल मत करें अदरवाइज़ हालात जो हैं बिल्कुल उसके बरक्स हो सकते हैं कोशिश करेंगे थोड़ा सा रुकें मिजाजी के साथ काम करें और हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करने के बाद ही फिर कोई फैसला या किसी के बारे में राय या कोई इकदाम करें ज़्यादा मुनासिब रहेगा आपके इस पूरे हफ्ते में फ़लाही कामों में काफ़ी हद तक रुझान बढ़ता हुआ नज़र आता है दूसरों की मदद करने के जज्बा डेवलप रहता हुआ नज़र आता है इवन मज़हब की तरफ आपका काफ़ी हद तक झुकाव और रुझान रहेगा इवन अपनी तालीम को कैसे बेहतर करना है आप लोगों ने बिरोन मुल्क से कैसे मामलों को फेवरेबल लेके आना है या फिर बिरोन मुल्क सफर के लिहाज से जितने भी मामले प्रॉब्लमेटिक हैं उनको कैसे आप लोगों ने बेहतर करना है तो ये पूरा सोच जो है आपकी सफते में इन चीजों के ऊपर डेवलप रहेगी लेकिन आमदनी के लिहाज से चीजें देखी जाए तो यहां पे चीजें थोड़ी सी एहतियात कन भी है क्योंकि फाइनेंशियली तौर तो के ऊपर अगर आपके पास पहले से प्लानिंग्स मौजूद है तो फिर तो ये हफ्ता आप लोगों का काफ़ी हद तक मजबूत गुजरेगा लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई आमदनी के लिहाज से प्लानिंग्स नहीं है सेविंग्स नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि नागाहानी तौर तो के ऊपर कुछ ऐसे अखराजा नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी आमदनी के लिहाज से प्रॉब्लम्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं तो कोशिश करें कि हफ्ते की इब्तदा से पहले ही आप लोगों के पास आमदनी तो के लिहाज से प्लानिंग्स मौजूद रहें ताकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई खास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि यह वीक आपका ना हो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का थोड़ा सा बिल्डअप रखने की जरूरत है सफ़र कर रहे हैं तो सफर से पहले सदका ज़रूर दें और दौरान सफर जितने भी अजनबी अफराद मिलें उनसे भी बहुत ज़्यादा एहतियात बढ़ते हैं और उनके तजर्ब को फौरी तौर तो के ऊपर अपनी जिंदगी में मत शामिल कर लें रुक जाएं चीज़ों को आराम से सोचें समझें अंडरस्टैंड करें और उसके बाद अपने मिजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करके फिर इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे खानगी मामला के लिहाज से काफ़ी खुशगवारी है आपको कोई भी मसला हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने फैमिली मेबर्स की तरफ रजू कर सकते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स वालदा की दुआएँ वालद की शफकत और बुज़ुर्गों के तजर्बात से भरपूर फायदा उठाते हुए हफ्ता गुजारेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद हाँ तक इंशाल्लाह खुशगवार गुजरेगा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी काफ़ी हद हाँ तक चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल रहती तो हुई नज़र आती हैं बल्कि सवारी की तब्दीली की जो ख्वाहिश है वो भी इंशाल्लाह पूरी होती हुई नजर आएगी या घर की तजी और आइश या घर की शिफ्टिंग के लिहाज से जो चीज़ें आपकी डिले चली आ रही थी इस हफ्ते में कोशिश करने से इनशाला पूरी हो सकती हैं मामलाते मोहब्बत जितने भी हैं उनमें थोड़ा सा हसासीत रहती हुई नज़र आती है आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी इंप्रूव नहीं है कम्युनिकेशन लेवल इतना बेहतर नहीं है और ऊपर से जिस पर से मोहब्बत कर रहे हैं उसके माइंड में थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो ये तमाम थर चीज़ें आपके मामला मोहब्बत को थोड़ा सा हसास बनाती हुई नज़र आती हैं तो कोशिश करें कि फौरी तौर के ऊपर मामलात मोहब्बत में कोई बहुस तकरार हो रही है तो उसमें से कोई अग्रेसिव बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करें इनशाला वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद को बिठा के उनकी काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं कर रहे पूरे हफ्ते में टू टाइम तो फिर जो अगला हफ्ता आ रहा है ग्रहण का हफ्ता उसमें बेसिकली आप लोगों को अपनी औलाद के लिहाज से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कोशिश करें इसी हफ्ते में काउंसलिंग रखें अपना वक्त कम्युनिकेशन लेवल बेहतर रखें ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं हो फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए नज़रेंब की वजह से थोड़ी सी परेशान कन हो सकती है अदरवाइज़ कोई मेडिकली तौर तो के ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ नज़रबत की वजह से आप लोग अपने आप को थोड़ा सा बिला वजा जो है थोड़ा सा सुस्ती काहली की तरफ फेस कर सकते हैं लेकिन जो मुलाजमती मामला हैं उनमें किस्म के लोग आपके बारे में बैक बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे गलत अफवाहें फैला सकते हैं गलत बातें कर सकते हैं आपकी बिला वजा गलती ना होने के बावजूद भी आपकी जो है बिला वजा कोई चीज़ें प्रॉब्लम आरक हो सकती हैं तो कोशिश करें कि मुलाजमती मामला अपने जितने अफसरान हैं उनके साथ आप लोग डायरेक्टली तौर तो के ऊपर इंटरेक्शन में रहें और आपके ऊपर जितनी जिम्मेदारियाँ आती हैं उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर आप लोग फीडबैक लाजमी देते रहें उसमें फीडबैक में कोताही मत करें अदरवाइज़ जहाँ पर फीडबैक में कोताही होगी अगले ही दिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग देखते हैं अजदवाजी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक खुशबकतियाँ हैं लेकिन मुश्तर मफात के कामों में जल्दबाजी में किए गए फैसले और जल्दबाजी में की गई इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो मुश्तरक मफादत के कामों में बहुत ज्यादा आप लोगों ने सोच समझ के फैसला करना है बल्कि हर तरह की फील्ड्स में आप लोग अगर तहमल मिजाजी के साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे तो काफी पॉजिटिव रहेगी बहरहाल आपकी इज्दवाजी जिंदगी काफ़ी हद हाँ तक खुशगवर आप लोगों का शरीर हयात काफ़ी हद हाँ तक सपोर्टिव विरासती मामला या लिटिगेशन से जुड़े हुए मामला तो इस हफ्ते में इतनी जल्दी नहीं सुलझेंगे लेकिन आप लोगों की कोशिश बहरहाल फिर भी चलती रहेगी कि आप किसी तरह विरासती प्रॉब्लम या लिटिगेशन से जुड़े हुए मामला को सॉर्ट आउट करने में दूसरों की फेवर हासिल कर लें इसके साथ साथ करियर कारोबार इज्जत वकार रुतबे की बात की जाए तो दूसरी चीज पहले से चल रही हैं उनको समेटने के लिए उनको बेहतर करने के लिए आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बेहतर होनी चाहिए नए कामों का इजरा या नए कामों में इन्वेस्टमेंट्स जो कि ज़ाती बिजनेस के, के हवाले से हूँ वो भी इस हफ्ते में इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा सा रोक लेना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है हल्का अहबाब की बात करें तो हल्का हबाब आपके लिए काफ़ी हद तक इन शाला मुखलिस नज़र आता है और इसका इजहार वक्ता फवक्ता रहेंगे और आपको ख़ुद से उनके अमली इकदाम से भी ये चीज़ नज़र आ जाएगी इस पूरे हफ्ते में आप लोग जो अपना सदका देंगे नजर बद के साथ महफूज रहें ने के लिए वो बेसिकली आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन पे तो फिर किसी भी लाल रंग की चीज का दैब्रा बुरज मैजान बुरज मैजान के हमें जो लोग हैं बेसिकली ये बुरा हफ़्ता हम लोग देखें तो बेसिकली आप लोगों का आमदनी के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात कन हफ़्ता है आप लोगों को फिनंशियली तौर तो के ऊपर प्लानिंग अपने पास लाजमी रखनी चाहिए लेकिन एक अच्छी चीज़ जो कि आप लोग इस पूरे हफ़ते में रहेगी कि जो फ़र्क आपके साथ हासिल करता है जो शख्स आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला रहा है वो आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए नज़र आते हैं या फिर ऐसे हासिल जिनके बारे में आपको इलम नहीं है खुफ़िया तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो मंजरेआम के ऊपर सामने आ जाएंगे जिसकी वजह से ये पूरा हफ़्ता आप लोग अपना बड़ा खूबसूरती के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं और अपने मसाइल प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएंगे लेकिन सिर्फ आपके पास आमदनी के लिहाज से प्लानिंग होनी चाहिए कि माली तौर तो के ऊपर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना रहे अदरवाइज़ आप लोगों का ये पूरा हफ़्ता तख्लीकीहितें उजागर रहती हुई नजर आएंगी आप ख़ुद से अपनी पर्सनली तौर तो के ऊपर ग्रूमिंग करते हुए नज़र आते हैं ख़ुद से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हुए नज़र आते हैं सफ़र का इरादा और सफ़र का सोच भी बनेगी और सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर फ़वाद का हामिल भी रहेगा अजीज़ों अवकारे जितने भी हैं आप लोगों के नेबर्स आप लोगों के जितने भी हैं आप लोगों के स्पेशली छोटे बहन भाई आपके साथ बड़ा सपोर्टिव रवैया रखे हुए नज़र आते हैं आपके जितने भी काम अपने रिलेशंस अपने रिलेटिव अपने अजीज वक़ारब के साथ हैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ हैं बड़े भरपूर तरीके से पूरे होते हुए नज़र आते हैं और आपको उनका सपोर्ट रहने की वजह से आपकी बहुत सारी जहनी तौर के ऊपर जो खदशात हैं प्रॉब्लम्स हैं बड़ा वजह की टेंशनस हैं वो वह ख़त्म हो जाएंगी इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों के लिए खानगी माहौल के अतबार से भी काफ़ी हद तक खुश है कि खानगी माहौल में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही थी मिसअरस्टैंडिंग चल रही थी या वालदा की सेहत के लिहाज से चीज़ें इतनी खुशगवार नहीं थी वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक इन की किसान बढ़ेंगी लेकिन आप लोगों के ऐसे इकदाम जो कि प्रॉपर्टी की डीलिंग के साथ साथ हैं या फिर ऐसे इकदाम जो कि सवारी की सेल परचेज़ के लिहाज से हैं या फिर घरेलू तजीनों आरइश या फिर आप लोग कोई ऐसा एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं जो कि एग्रीकलचरी तौर के पर ट्रेडिंग के हवाले से है तो ऐसे मामला में आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात लाजम है कि जितने भी ऐसे मामला हैं जो कि प्रॉपर्टी से डीलअप कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से डीलप कर रहे हैं जो कि वहीकल से डील कर रहे हैं या ट्रेडिंग से लिंकअप कर रहे हैं तो ऐसे मामला में आप लोगों को हर दर्ज एहतियात की जरूरत है अदरवाइज चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर आप लोगों ने चीज़ों की हसासियत को नहीं समझा इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए मामला मोहब्बत के लिहाज से भी थोड़ा सा सेंसिटिव है कि फजूल किस्म के लोग आपके मामला मोहब्बत में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा सकते हैं इवन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की सेहत और उनकी जहनी तौर के ऊपर जो कैफियत है उसको भी आप लोगों को बड़ी अशद ज़रूरत है कि सही दुरुस्त वक्त के ऊपर इकदाम करें और उसको मजीद मत डिले करें ये दो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने आमदन के बाद अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात करना है एक रोमानवी मामला और एक साहब औलाद अफराद के लिए अपनी औलाद की मेटली तौर के ऊपर ग्रोमिंग इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ अगर आप लोगों की अपनी देखी जाए तो आप लोगों की अपनी सेहत जस्मानी काफ़ी इन बेहतर रहेगी आप लोगों के ऐसे लड़ाई झगड़े ऐसे बहुशत करार ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपके को कोवर्कर्स के साथ हैं या फिर आपके हुकाम के साथ हैं वो भी इस हफ्ते में काफ़ी हद तक सुलझते हुए नजर आते हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर के अगर बेहतरी की जानब जाती हुई नज़र आती हैं बल्कि आपका जो अज्दवाजी मामलात हैं उनमें काफ़ी हद हाँ तक खूबसूरती नज़र आती है कि जो सेंसिटिविटी या जो नेगेटिविटी आप लोगों के शरीक हयात के सोच के मिजाज में थी जिसकी वजह से आपकी अपनी अज्दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्बेंसेस का शिकार थी वो काफ़ी हद हाँ तक इन शाला बेहतरी के साथ सुलझ जाएंगे चीज़ें और आपके शरीक हाथ की सोच में मज़बत पहलू उजागर हो पाएंगे मुश्तरक मुफादत के कामों को देखा जाए तो पार्टनरशिप के जितने भी काम हैं उनमें खूबसूरती तो आती हुई नज़र आएगी लेकिन पार्टनरशिप के कामों में नई इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को हद दर्जे गुरेज करना चाहिए जो पहले से चीजें चल रही हैं उन्हीं को आप लोग समेट लें और बेहतर कर लें ज्यादा मुनासब है इसके साथ साथ आप लोगों के विरासती या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा जाए तो कोशिश करने से आपके कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं लिडिगेशन के वो तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे लेकिन जो विरासती मामला हैं उनमें थोड़ी सी मिस अंदरस्टैंडिंग्स या मामलात में तखीर डिले रहने की इंडिकेशन बदस्तूर मौजूद हैं इसके साथ साथ आप लोगों का करियर कारोबार रोजगार के लिहाज से जितने भी मामला हैं काफ़ी हद तक खुश वक्त नजर आते हैं पिछले एक दो हफ्ते में जो आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस की अपने जाती कारोबार के लिहाज से अपने करियर की ग्रोथ के लिहाज से या आपके हल्का एहबाब से आपकी ख्वाहिशात के अतबार से ये तमाम तर चीज़ें आपकी काफी हद तक इन शब्द मस्बत पहलुओं के साथ शॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपके करियर की ग्रोथ के मौाक़ भी डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको मिल पाएंगे इसके साथ साथ ये पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सत्ता देंगे एहतियाती तदाबीर के हवाले से वह लोगों का रहेगा रोजाना की बुनियाद के ऊपर हसब तफी गंदम बुरज अकरब बुरज अकरब के जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा ही हफ़्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरे वीक में आप लोगों की सोच मिजाज में मोहब्बत का आंसर बहुत ज्यादा नुया रहता हुआ नज़र आता है आप लोग अपनी जात से दूसरों को किसी न किसी तौर के ऊपर ब्लस करते हुए नजर आएंगे आप लोग किसी न किसी तौर के ऊपर अपने इजहार ख्याल इजहार मोहब्बत और अच्छे ख्याल का इजहार भी मुमकिन में से बनाएंगे जिसकी वजह से दूसरों के साथ आपके ताल्लिक में इजाफा होगा आप सोशल लिंक्स अपने डेवलप करते हुए नजर आते हैं और कुछ नए लोगों के साथ मेल मुलाकात और नए तजुर्बात की तरफ भी आपकी सोच माइल रहेगी आमदनी के लिहाज से काफ़ी हद तक खुशबक़् हफ्ता है आमदनी के वसायल भी बढ़ेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म होंगी किसी को कर्ज़ दिया था उसकी वापसी भी होती हुई नज़र आएगी मुश्तरक मफादा का के कामों में जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपके रुके हुए थे वो भी मतवक़ा तौर के ऊपर मिल जाएंगे और ज़ाती करियर कारोबार में भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी कोशिश करने से इंशाल्लाह शाला से मट जाएँगी क्योंकि जो हास्त किस्म के लोग हैं इस पूरे हफ़्ते में ज़ेर हो सके

इसके साथ साथ खानगी माहौल में खुशबियाँ और ख़ानगी माहौल में सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की वालदा की दुआएँ और वालद की तावन और सपोर्ट की वजह से ना सिर्फ ख़ानगी प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट होंगी बल्कि आप लोगों के इस दवाजी जिंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए नज़र आएँगे और करियर कारोबार में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वालद की शफकत की वजह से वालदा की दवाओं की वजह से काफ़ी हद तक इन शलूशन की तरफ बढ़ जाएंगे तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इन शबत पहलुओं का हामिल नजर आता है सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की फिजिकल हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी सेहत भी की, की वजह से आप लोग बहुत सारे ऐसे काम जो कि बिलावज रुकावट का शिकार थे या आपके बहुत सुस्ती काहली गालिब थी और बहुत सारी चीज़ों को आपने डिले कर दिया था आप लोग इस हफ्ते में उसको काफ़ी हद तक इन समेटते हुए नजर आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये तमाम लोग जो कि मुलाजमत का हसूल चाहते हैं या मुलाजमत की तब्दीली चाहते हैं कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी इन शामयाबी मिल पाएगी मुश्तरक मफादा के का कामों में कंप्रोमाइज़ किसी बात के ऊपर करना पड़े तो खामोशी के साथ कर लें क्योंकि उसका रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन आप लोगों के जज्दवाजी मामलात हैं उसमें शर्क हयात के साथ अपने कम्युनिकेशन लेवल को आप लोगों ने बहाल रखना है किसी भी तौर के ऊपर आप लोगों ने खामोशी इख्तियार नहीं करनी और किसी भी तौर के ऊपर आपने जो दिल की बात है उसको दिल में नहीं रखना इजहार कर दें ज़्यादा मस्बत है क्योंकि आपके जो जजदवाजी मामलात हैं वो बेसिकली इजहार के ताले नज़र आते हैं इसके साथ साथ विरासती प्रॉब्लम्स के सोलूशन हों या लिटिगेशन के हवाले से मामला की सोलूशनस को फाइंड आउट करना हो इस हफ्ते में क्योंकि बहुत सारी सपोर्टिव रोल आप लोगों की ज़िंदगी में मिलता हुआ नज़र आता है वालद की तरफ से भी वालदा की तरफ से भी अजीज़ों कारे रिश्तेदार बहन भाइयों की तरफ से भी और सोशल लिंक्स भी आपके डेवलप होते हुए नज़र आते हैं तो बेसिकली आप लोगों के किसी अच्छी सूरत में लिटिगेशन का जो मसला है वो किसी अच्छी स्थित में जाता हुआ नजर आता है जो कि आपके लिए फेवरेबल इंशाल्लाह साबित होगा तलीमी मैदान में जो प्रॉब्लम चल रही थी या बिरूने मुल्क सफर या बिरूने मुल्क से जुड़ी हुई जो ट्रेडिंग्स हैं और उसमें प्रॉब्लम चल रही थी इस हफ़्ते में वो भी सुलझने जा रही हैं सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आप लोगों ने तसलसल के साथ कोशिश करनी है और जल्दबाजी नहीं करना इन श्रा मामला आपके सुलझ जाएंगे तलीमी मैदान में आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जैडल्स चल रही थी वनशाला डिस्कशन की सूरत में काफ़ी हद हाँ तक सॉट आउट हो जाएगी वक़ार और रतबे में इजाफे का हफ़्ता है सोशल लिंक से आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं आप लोगों कीज़्त और रुतबे की ग्रोथ नज़र आती है तो ये पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे मामला को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए वदका आप लोगों का रहेगा रोजाना की बुनियाद के पर हसब तफ़ी आप लोगों के सोच और मिजाज में वैसे ही नित नए तजर्बा आते हुए नजर आते हैं चाहे आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो चाहे आप लोग बेसिकली अपने कोई मामला सुलझा रहे हो चाहे आप लोग खतून खाना ही क्यों ना हो कुछ नए नए आइडियाज नई नई तख्लिक आपके मिजाज में जन्म लेती हुई नजर आती हैं जिसकी वजह से खानगी माहौल भी खूबसूरत बना सकेंगे अपने करियर कारोबार रोजगार भी मजीद और ज्यादा बेहतर करने के बारे में इकदाम करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का भी इरादा आप लोगों का डेवलप हो सकता है लेकिन कुछ मामला ऐसे भी हैं जो कि आपके मुश्तर मुफादत का के काम है जिसमें थोड़ा सा सुस्त रवी नजर आती है तो इसमें कोशिश ये करनी है कि आपका जो जरीकार है जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसके साथ मिलकर चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करें थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें क्योंकि अपने खुद से फैसले करेंगे तो बाद में आपके शरारती मामला में उस शख्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती हैं तो कोशिश करें कि बाहमी मुशावरत के साथ ही चीज़ों को लेकर चलें तो ज़्यादा मुनासब रहेगा आमदनी के लिहाज से यह पूरा हफ्ता कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ नहीं है बल्कि अखराजा में कमी होने से फैनेशली प्रॉब्लम भी आपकी सोलूशन की तरफ आ जाएंगी इसके साथ साथ ये पूरा

नेबर्स और आप लोगों के कुछ ऐसे हासित के लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम कर रहे हैं उन लोगों की इकदाम को बेहतर करने के लिए और उन लोगों की रोकथाम करने के लिए आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को वालदा की सेहत के लिहाज से ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो उसमें कोई भी कोताही करने के बजाय आप लोग फौरी तौर तो के ऊपर किसी अच्छे मालिक से मशवरा करें चीज़ें डेफिनेटली तौर तो के ऊपर आपके लिए काफ़ी हद तक इन शुश रहेंगी ये पूरा हफ़्ता आप लोगों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है प्रॉपर्टी में सवारी में एग्रीकल्चर में ट्रेडिंग में उनमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मुकम्मल तौर के ऊपर हालात की तस्वीर कशी करने के बाद हालात को अंडरस्टैंड और समझने के बाद फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि फौरी तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बग़ैर सोचे समझे तो वो आपके लिए बाद में जाके थोड़ा सा पशेवानी का सबक भी बन सकता है अदरवाइज़ ख़ानगी मामला में आप लोग कोशिश करेंगे जो आपको ऐसी फरमाइशें सुनने को मिल रही हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हैं जिनका पूरा कर सकते हैं कर दें और जिनको नहीं पूरा कर सकते उनको रद्द मत करें उनको थोड़ा सा वक्त दे दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा रद्द करेंगे तो बाद में आपके रिलेशन जो फैमिली माहौल में थोड़ा सा तनाव खिंचाव की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आरिक हो सकते हैं तो उनकी ख्वाहिशात को रद्द करने की बजाय थोड़ा सा उनको उम्मीद दिला देना ज्यादा मुनासब रहेगा मामलाते मोहब्बत काफी हद तक इन रहेंगे हसासियत खत्म होती हुई नजर आती है इजहार ख्याल नजर आएगा अख्लाफा का खात्मा नजर आएगा और दिल की बात कहते हुए नजर आते हैं लेकिन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं औलाद की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपके औलाद के जहन में थोड़े से वहम वसफ और खदशात नजर आते हैं और जब तक वह चीज़ें खत्म नहीं होंगी तब तक आप उनकी प्रैक्टिकली तौर के ऊपर नहीं देख पाएंगे आप लोगों की मुलाजमती जिम्मेदारियां हैं उनमें आप लोगों को इजाफी तवज्जो देने की जरूरत है और मुलाजमत को तब्दील करना भी आप लोगों के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा तो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उनको वैसे ही चलने थे मुश्तरक मफादत के जितने भी काम हैं उनमें शरीककार से डिस्कस किए बगैर चीजों को कर देना प्रॉब्लम आ रही हो सकता है रुक जाएँ और उसे डिस्कस करने के बाद चीज़ों को बेहतर करें या तब्दील करें तो ज़्यादा मुनासब रहेगा इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी ऐसे मामला हैं जो कि विरासत से डीलअप कर रहे हैं या लिटिगेशन से लिंकअप कर रहे हैं तो ऐसे मामला में कोशिश करने से आप लोगों को अच्छा सल्यूशन डेफिनेटली से तौर के ऊपर मिल जाएगा करियर कारोबार रोज़गार और इज्जत के बढ़ावे के हवाले से यह पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबकत है लेकिन कोशिश करें कि नए माहे जो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ का अवेल है या फिर नए माहे नई इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से झातीी बिजनेस में मत करें नए माहिदों के लिए ग्रहण के बाद का वक्त आपके लिए ज्यादा फेवरेबल और ज्यादा सुटेबल रहेगा हल्का अहबाब में काफी हद तक मुखलिस नजर आते हैं जो कि आपकी जिंदगी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को सॉर्ट आउट कर सकेंगे इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे वह सदका आप लोगों का रहेगा हफ़्ते वाले दिन हंसब तफ़ी तो किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का कप्रिकॉन बुटीज कैप्रिकॉनियस के हामे जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ़्ता आप लोगों को अपने सोच अपने ख्याल मजबूत रखने की कोशिश करनी है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं आमदनी के लिहाज से थोड़ा सा मामला रुकावट का शिकार है कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का थोड़ा सा कम हो सकता है आपकी तवक़ुआ बहन भाइयों के साथ अजीज़ वकारीब के साथ या हमसायों के साथ जो वाबस्ता हैं उनका पूरा ना होना थोड़ा सा प्रॉब्लम तैला सकता है या फिर हल्का अहबाब आप लोगों के दोस्त अहबाब उनके साथ आपकी जो ख्वाहिशात व बस्ता हैं उनका वक्त पूरा ना होना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको दिला सकता है और वक्ती तौर तो के ऊपर मायूसी की तरफ भी लेके जा सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपनी जिंदगी में चंद लोगों को मखसूस कर लेना चाहिए जो कि आपके साथ सिंसेयर हैं और उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें पूरे ही हफ्ते में ऑन एंड ऑफ आप लोगों को ऐसी ज़रूर मसरूफ़ियात अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी चाहिए चाहे वो कोई अच्छी किताब का मतला हो चाहे वो सफ़र हो या कोई अच्छी गैदरिंग्स हो जो कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट रखे जो कि आपको हकीकत के करीब रखे और आपके सोच में मौबत पहलुओं को उजागर ले आ सके इसके साथ साथ ये पूरे हफ़्ते में आप लोग जहाँ पे बहुत सारी एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए दूसरों के साथ को कम रखने के लिए तो इसके साथ साथ जहाँ पर अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं वो है आप लोगों के सेहत आप लोगों के मुश्तर का मुफादत का के काम आप लोगों के ज़ाती बिजनेस के हवाले से चीज़ें और मज़हब रूहानियत और फलाही कामों की तरफ आपका रुझान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सा, अगर साहिब औलाद हैं औलाद आप लोगों के लिए मेनली तो एक तकवियत का बाहस होगी औलाद के साथ ज्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और उनके साथ चीज़ों को शेयर करें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सलूशन भी मिल जाएगा अगर आप किसी वर्ड से मुहबत करते हैं तब भी अपनी चीज़ें उस वर्ड के साथ शेयर करें आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी और चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी फैमिली मेम्बर्स आपके जितने भी हैं वो आपके लिए बड़े सपोर्टिव नज़र आते हैं तो फैमिली के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें लेकिन वालदा की सेहत के बारे में स्टिल आप लोगों के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है ज़ाती बिज़नेस प्रॉपर्टी या फिर सवारी की तब्दीली इस पूरे हफ्ते में इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशा नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा सा रोक लेना ज़्यादा मुनासब है घर की शिफ्टिंग करना घर की आ, किसी भी तौर के ऊपर तमीर की इब्तदा करना इस हफ़्ते में रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है और अगर फिर भी बहुत अशद जरूरी है आपको करना तो आप किसी अच्छी नेक वक्त या नेक साथ का इंतबाब करने के बाद सदक़ा देने के बाद फिर करें और इसके साथ घरेलू तस्वीरों और राइश जो है उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को इन शाला मोटिवेशन भी मिलेगी सोच आपकी डाइवर्ट रहेगी और मिसबत पहलुओं की तरफ भी उजागर रहेंगे इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बुरा ही हफ़्ता काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है आप लोगों की मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को लेके क्योंकि मुलाजमती ज़िम्मेदारियां जितनी आप अंजाम दे रहे हैं उसका फीडबैक देना भी डेली बेसिस के ऊपर लाजम कर लें जो ज़िम्मेदारियां आप अंजाम दें डेली बेसिस के ऊपर आप लोग उसका फीडबैक दें आप रिपोर्ट दें कि आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया है और अगले आने वाले दिन में आप क्या करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन अगर आप लोग अपनी चीज़ें खुद से करी जा रहे हैं और उसका फ़ीडबैक नहीं दे रहे कि बिल्कुल वीक के अख्ताम पर देंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अफसरान की जानव से भी और आपके साथ जो लोग मिल काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं तो एक चीज़ एहतियात आप लोगों ने जॉब में अपनी जिम्मेदारियों का फीडबैक देना लाजम कर लेना है मुश्तरक मबादा के जितने भी काम हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबकत नज़र आते हैं जितनी प्रॉब्लम्स हर्डल्स मुश्किल माजी में फ़ेस की वो इनशाला इस हफ़्ते में नहीं होंगी अज़दवाज़ी ज़िंदगी में भी खुशबकियाँ नज़र आती हैं कुछ नए कम्प्रोमाइजेस नज़र आते हैं गलत फहमियों का खात्मा होगा और शरीक हाथ की तरफ से भी आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा ज़ाति बिज़नेस और ज़ाती करियर की बात की जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों के लिए ज़ाती बिज़नेस के लिहाज से भी काफ़ी खुशबकत है कि ज़ाती बिजनस के लिहाज से जितनी प्रॉब्लम्स आपने माजी में फ़ेस की हैं इस हफ़्ते में वो प्रॉब्लम्स आपको इन दोबारा से फेस नहीं करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आपकी विरासती मामला हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ है उनको सॉर्ट आउट करने का बिल्कुल भी नहीं है तो कोशिश करें कि जो चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं उनको चलने दें और ग्रहण के बाद के टाइम का इंतबाब करें चाहे आपके कोर्ट कचहरी के, के मामलात हैं चाहे आप लोगों ने विरासती मामलात को बैठ के समेटना है इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों ने अपनी थोड़ी सी मोटिवेशन लेवल को बेहतर रखने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट रखने के लिए और अपने जहन को मस्बत तरफ मायल रखने के लिए जो रूहानी तौर के ऊपर सदके की रेमेडी करेंगे तो वो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हजब तफे किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का एक्वेरियस बुर्ज दलफ़ बुरज दलफ़ के हामिज लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोग सोशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हाई नज़र आती हैं और आप अपनी ख्वाहिशात की ही तकमील के बारे में काफ़ी हद तक जद्दोजहद और सरगर्दाएँ अमल नज़र आते हैं क्योंकि आपके लिए बेसिकली इस पूरे हफ्ते में आपकी अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती है और आप अपने ज़ात के ही महवर में काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को समेटने के लिए अमल रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपका जहाँ पर हल्का एहबाब ग्रो करता हुआ नज़र आता है वहीं पर आप लोग किसी खास मकसद के तहत दूसरों के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार भी कर सकता है क्योंकि आप लोगों के जहाँ पे मुश्तर मफादा होंगे वहीं पे बेसिकली दूसरों के साथ सोशल लिंक्स भी आपके ग्रो होंगे तो सोशल लिंक्स का ग्रो होना आपके मुश्तरक मफात की बिना के ऊपर होगा इसके साथ साथ आप लोगों को अपना जाति करियर कारोबार रुतबे की बात की जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक इन पॉजिटिव है कि आपके अपने ज़ाती बिजनेस में भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ नज़र आएगी ज़ाती बिजनेस में माली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो वात्मे की सूरत अख्तियार करेंगी और मतवक तौर तो के पर यह पूरा ही हफ्ता आमदनी के वसायल जहाँ पर बढ़ा रहा है वहीं पर अखराजात को भी कम कर रहा है तो बेसिकली ये हफ्ता आप लोगों के लिए आमदनी के लिहाज से काफ़ी खुश है लेकिन इसके साथ साथ सोच में थोड़ी सी वहम वसफ़ से वाली कैफियत भी नज़र आती है और उसी वहम वसफ़ से वाली कैफियत को थोड़ा सा आप लोगों को ओवरकम करना है तो आपके बहुत सारी चीज़ें इन वीक में सुलझ जाएंगी मेनली क्योंकि ये पूरा वीक आप अपनी ज़ात के महवर के गर्द ही घूम रहे हैं तो आपके अजीज वकारी रिश्तेदार बहन भाई आपके फैमिली मेम्बर्स जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं आपकी अजदवाजी ज़िंदगी आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात या अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो हर फर्द के साथ आपकी जो अटैचमेंट होगी वो किसी न किसी तौर के ऊपर अपने ज़ाती मफाद के तहत या अपने ज़ाती मादा को बेहतर बनाने

क्या आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किल को कम करते हुए अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं तो इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों के लिए पूरा ही हफ़्ता कि आप लोगों ने जहाँ पे अपनी ज़ात के महवर के गर्द घूम रहे हैं वहीं पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने जो ख़ानगी माहौल है उसको आप लोगों ने पुरसकून रखने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम ज़रूर करना है जो भी फरमाइश आपको आ रही है चाहे उसको आप पूरा कर सकते हो या ना कर सकते हो लेकिन उनकी ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर करें ताकि ख़ानगी माहौल पुरसकून रह सके क्योंकि खानगी माहौल अगर पुरसकून होगा तभी आप हकीकी मायनों में अपनी हर तरह के मामला को मज़बूत बना सकते हैं इसके साथ प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो आप लोग प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं व्हीकल की सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं आप लोग एग्रीकल्चर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखे हुए हैं ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ मामला आप लोग अंजाम देना चाह रहे हैं तो हर तरह की मामला में आप लोगों ने एग्रीमेंट करने से पहले लाजमी तौर के बड़े चीज़ों को चेक करना है हैद करने से पहले आप लोगों ने हालात की एक दफ़ा दोबारा से नज़रसानी करना है क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसे अहद होते हुए नजर आते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन साइन होते हुए नज़र आते हैं जिसके बाद चीज़ें आपको यकसर तब्दील होती हुई नज़र आएंगी कुछ ऐसे अहद हो सकते हैं जिनको शायद आप बर वक्त पूरा ना कर सकें तो बेसिकली आप लोगों को पहले हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करनी है और उसके बाद अपने जितने भी प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से काम है उनमें चीज़ों को बेहतर बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ख़ानगी खुशहाली को आप लोगों ने बहाल रखना है और आप लोगों का कम्युनिकेशन लेवल अपने फैमिली मेम्बर के साथ बेहतर होना चाहिए क्योंकि आप कम्युनिकेशन लेवल अगर फैमिली मेम्बर के साथ बहाल नहीं है तो फिर आप लोगों को खानगी खुशहाली नसीब नहीं होगी तो बाकी कामों में भी बिला वजह की डिस्टर्बेंस आपको फेस कर सकते हैं मामलाते मोहब्बत आप लोगों के थोड़े से सेंसटिव हूँ जिस तरह से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ आप लोगों को अपनी गलत फहमियों को दूर करना है और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की काउंसलिंग के लिए भी लाजमी तौर के ऊपर वक्त ज़रूर निकालें फिज़िकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इन शाला मज़बत नज़र आती है पिछले हफ़्ते की निसबत मुलामीती जिम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक कि इन शाला आप लोगों के लिए पुरसकून नज़र आती हैं कुछ खास इतनी हर्डल्स या मसाइल आपकी जॉब के काम के ऊपर नहीं है ना ही मुशतरक मुफादत का के कामों में कुछ इतनी प्रॉब्लम नज़र आती हैं बल्कि आप लोगों के जितने विरासती मामला हैं या लिडिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो यहाँ पर कुछ तजर्बाकार लोगों की राय को शाम रख लेना आपके लिए वरासती मामला में भी सोलूशनस का सबब बनेगा और लिटिगेशन के मामला में भी कोई अच्छा आप लोगों को सलूशन डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेगा बेसिकली ये पूरा वीक जहाँ पे आप लोगों की बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं वहीं पे आप अपनी इज्जत वकार रुतबे की बहाली के लिए भी काफ़ी हद तक मसरूफ़मल नज़र आते हैं और चीज़ें यहाँ पर भी आपके लिए इन शबत ही नज़र आएंगी इस पूरे हफ्ते में अपने खान की खुशहाली को बहाल और बरकरार रखने के लिए अपने एग्रीमेंट्स और ऐसे मामलों जो कि थोड़ा सा आपके माहिदों के लिहाज से प्रॉब्लमारिक नज़र आते हैं उन चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर शॉट आउट करने के लिए जो आप लोग सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा बेसिकली रोजाना की आप लोगों को अपने मिजाज को बहुत ज्यादा तहमल मिजाजी की तरफ रखना है आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी और सोच में बहुत ज्यादा धीमापन रखना है क्योंकि बहसत करार और जल्दबाजी में चीज़ें खराबी का शिकार हो सकती हैं वक्ता फ़वता नज़र बद के असर भी रहते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से कामों में अगर कुछ रुकावट आए तो आप लोगों ने बिलासिव बिहेवियर नहीं अपनाना बात बात के ऊपर एग्रेशन में बिल्कुल नहीं आना कोशिश करें कि थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को अवॉइड कर दें ऐसी चीज़ों को जो कि आपको मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब कर रही हैं इस हफ्ते में सिर्फ लिमिटेशन में रहें लिमिटेड लोगों से मिले लिमिटेड ख्याल रखें लिमिटेड सोचें रखें लिमिटेड सोचे काम करें अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें अपनी मेंटली तौर के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा धीमापन आप लोग अपने मिजाज और लहजे में रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी अगर आप लोग अपनी जो प्लान्री पोजिशन चल रही हैं उसके मुताबिक वीक गुजारते हैं तो बिला वजह की बहसों तकरार बिला वजह के रवैयों में ख़राबी काम में बिला वजह की जल्दबाजी की वजह से ख़राबी और बिला वजह ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा सा लिमिटेशंस में रह गए या हफ़्ता गुजारें हर तरह से इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी आप लोगों के दूसरों से मेल मुलाकात के लिहाज से भी आप लोगों के कम्युनिकेशन के लिहाज से भी एग्रीमेंट्स के लिहाज से भी मुलाजमती मामलों या मुलाजमती तौर के ऊपर दूसरों पर ट्रस्ट कर लेना बहुत ज़्यादा या फिर अजदवाजी तौर के ऊपर रवाबत में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो शेयर कर जाना तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमारिक हो सकती हैं कोशिश करें कि जितना महदूद रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग पुरसकून रहेंगे सोच में भी अमल में भी फैमिली मेबर के साथ अपने जितने भी रवाबत हैं उसको भी आप लोग कोशिश करें कि सिर्फ महदूद रखें अगर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बहुत, बहुत करार की जा रही है बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड्स आ रही हैं आप खामोशी अख्तियार कर लें तो चीज़ें ज़्यादा मुनासब हैं अजदवाजी तौर के ऊपर आपके शरीक हयात के साथ बिला वजह की प्रॉब्लम हो रही हैं या शरीक हयात की बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें या डिमांड्स आ रही हैं जिसको आप लोग अभी फ़ौरी तौर के ऊपर पूरा नहीं कर पा रहे तो खामोशी इख्तियार कर लें ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि बहस व तकरार करेंगे या आगे से किसी भी तौर के ऊपर आप लोग कोई रद्दमल ज़ाहिर करेंगे तो बिला वजह ख़राबी की चीज़ें नज़र आती हैं खामोशी लमिटेशनस और चीज़ों को इग्नोर कर देना ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हफ्ता आपका पुसकून गुजर सकता है आमदनी के लिहाज से चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमारिक नहीं है लेकिन नजरबंद आपके कामों में बिला वजह की प्रॉब्लम्स या हर्डल्स हाँ दे आ सकती है इस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार भी रहना है और इसके लिए आप लोगों ने पूरे हफ्ते में वक्फा वक्फा से सदकार भी ज़रूर देना है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी हद हाँ तक इंशाल्लाह मजबूत रहेगा लेकिन आपका कम्युनिकेशन लेवल अपने अजीज वारिब के साथ बहन भाइयों के साथ आपके नेबर्स के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है कोशिश करें कोई ऐसा हेद ना करें जिसका आप लोग बाद में पास ना रख सकते हैं कोई ऐसी एग्रीमेंट ना करें जो कि आपके रिलेशनस के साथ मुश्तरक मफादा की बुनियाद के ऊपर हो क्योंकि ये हफ्ता नए एग्रीमेंट्स के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जो चीज़ें पहले से चल रही हैं मुश्तक तौर तो के ऊपर ज़ाती बिजनेस के लिहाज से उनको एज़ इट इज़ वैसे ही चलने दें दे तो चीज़ें ज़्यादा मुनासिब हैं मुलाजमती तौर के ऊपर भी चीज़ों को तब्दील करना इतना ज़्यादा खुशाइंद नहीं है मुलाजमती मामला में भी जो जिम्मेदारियाँ जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही रखें बहुत ज़्यादा दूसरों पर रलाय करना स्पेशली अपने मातहत या कोवर्कर्स के ऊपर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकता है चीज़ों को ख़ुद से अंजाम दें और ख़ुद से चेक बैलेंस रखें तो चीज़ें ज़्यादा मुनासब रहेंगी खानगी माहौल को खुशगवार रखने के लिए आप लोगों का इजहार ख्याल या फिर खानगी मेम्बर जितने भी हैं उनकी ख्वाहिशात का एहतराम आपके ऊपर लाजम रहेगा मामलात मोहब्बत को खुशब्त रखने के लिए हफ्ते के जो पहले दो दिन ऐसे हैं कि जिसमें आप लोगों को अपने शर्क मोहब्बत की हर बात को सिर्फ एग्री करना है अगर पहले दो दिनों में आप लोगों ने शरीक मोहब्बत के हर बात को एग्री कर लिया तो अगले जो पाँच दिन हैं ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके रोमानवी मामलत काफ़ी खुशगवार रहेंगे अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की बात को सुनना अंडरस्टैंड करना और आगे से रिप्लाई में पुरसकून कैफियत में अंदाज में जवाब देना ये मेन चीज़ है आप लोगों की अगर आप लोग चाहते हैं कि औलाद के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो पॉजिटिव रहे इसके साथ साथ तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के मुश्तरक मफाद के काम हों या अजदवाजी रवाबत हों ये दोनों ही चीज़ें कम्युनिकेशन लेवल में थोड़ा सा लैक करती हुई नज़र आती हूँ तो कम्युनिकेशन लेवल का ये जो गैप है इसको कम हद दर्जे रखने की कोशिश करें तो आपके अज़दवाजी जिंदगी में भी और मुश्तरक मफादात के कामों में भी चीज़ें काफ़ी हद तक मुस्बत रहेंगी लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया तो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हर हो सकती हैं विरासती मामला की बात की जाए या लिटिगेशन की जितनी भी चीज़ें हैं आपके कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जितने मामलात हैं अगर उनकी बात की जाए तो मामलात जिंदगी जो है ये थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ चलते रहेंगे कुछ ख़ास इसमें इतनी ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आती लेकिन कुछ ख़ास इतनी ज़्यादा ख़राबी भी नहीं है चीज़ें बेहतरी की तरफ़ सुस्त रवि के साथ चलती रहेंगी इसके साथ साथ आप लोगों का इज़्ज़त वकार करियर रुतबे के हवाले से चीज़ें काफ़ी खुशगवार हैं कि आप लोगों के दूसरों की नज़रों में रिस्पेक्ट तो ग्रो करती हुई नज़र आती है आपका ज़ाती बिजनेस के लिहाज से चीज़ें तो काफ़ी खुशगवार नज़र आते हैं लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स या जल्दबाजी में कोई इकदाम या जल्दबाजी में कोई चीज़ों में तरतीब कर देना अपने ताती बिजनेस में इतना ज़्यादा खुशगवार नहीं है तो चीज़ों को आप लोगों ने बड़ी तहमिल मिजाजी के साथ लेकर चलना है जिस तरह चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उनको वैसे ही रखें और अपनी सोच अपने रिलेशन और अपने अल्फाज को थोड़ा सा महदूद कर लें तो काफ़ी हद तक आप लोग प्रॉब्लम्स इन शह महफूज हफ्ता गुजारेंगे इस पूरे हफ्ते में जो बेसिकली आप अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हंसबे तो फिर किसी भी लाल रंग की चीज़ का मुझे उम्मीद है कि मेरा आज के इस पूरे हफ्ते की वीडियो से आप लोगों ने अपने पूरे वीक को बड़ी स्पेशली तौर के प्लान आउट किया होगा और जैसे कि आपको एल महके में मौजूद हूँ कराची में बिलमुशाफा मिलने के लिए आप लोग पहली से लेकर सात के, के दरमियान में हमारे कराची के ऑफिस में पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा इन जिंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अल्लाह